एक लड़का था, उसका नाम अनुराग था। वो तालाब के पास इमली के पेड़ पर लगी इमलियां तोड़ने की प्रैक्टिस में लगा रहता था। रोज शाम जब स्कूल के सारे बच्चे तालाब पर मिलते, अनुराग सिर्फ अपने टारगेट पर नजर जमाए रखता था। एक कोशिश नाकाम होती तो दूसरी करता, दूसरी नाकाम होती तो तीसरी। इस तरह पूरी शाम इमली गिराने के चक्कर में निकल जाती। फिर एक दिन वो घड़ी आ ही गई जिसका अनुराग को इंतजार था। पत्थर जाके ठीक निशाने पर लगा। इमली नहीं टूटी, नवी कक्षा के विभोर का सर फूटा। असल में अनुराग का टारगेट इमली नहीं था, विभोर था। और अनुराग ने सबको चालाकी से यह यकीन दिला दिया कि वह रोजाना इमली गिराने की प्रैक्टिस करता था और विभोर को चोट लगना महज एक इत्तेफाक था। अनुराग, ये किसी वाहियत किस्म की कहानी लिखकर लाए हो? There's so much of dark side in you. कोई बच्चा ऐसा लिखता है? प्लीज इसे फाड़ दो और कल कोई बच्चों वाली कहानी लिखकर लाना।